साहब। हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तूने सुना क्या मार्केट में नोट वोट बैन हो गए हैं? हाँ यार तुझे आइडिया है क्या कि फेल होगा कि पास होगा? नहीं नहीं इतना आइडिया तो मुझे भी नहीं है। एक काम करती हूँ, मैं ना यहाँ पे लोगों से पूछती हूँ और उसके बाद तुझे बताती हूँ, ठीक है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूथ ऑन मूव। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एटीएम की एक लंबी सी लाइन लगी हुई है। आइए लोगों से पूछेंगे कि डिमोनेटाइजेशन फेल हुआ है कि पास हुआ है। अभी ये ड्राइविंग करते थे वो अब नहीं हो पाएगी क्योंकि जितने पुराने नोट्स हैं वो बंद हो गए हैं। हाँ अभी इसका रिजल्ट तो हम 30 दिसंबर के बाद ही बता पाएंगे कि क्या रहेगा, बट हाँ अभी लग रहा है कि पॉजिटिव है। शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं बट हाँ उस टाइम बाद वो नॉर्मल हो गया। डिमोनेटाइजेशन की वजह से ब्लैक मनी बेस जा रहा है, सो पर्सनली आई फील डिमोनेटाइजेशन इज गुड एनफ। अब जो GDP आएगी, जो इकोनॉमी आएगी वो सॉलिड होगी क्योंकि उसमें सारी इकोनॉमी जो है पैसे जो है वो ट्रांसपेरेंट होगी। जितने ब्लैक मनी है इंडिया में उसको हम काफी करप्शन को रिमूव करने में हेल्प कर सकते हैं। इसको अगर कंस्ट्रक्टिव वे में करा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी जैसे करप्शन को एंड करने के लिए, ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए इट वुड बी बेस्ट, और नोट बैनिंग अच्छी जाएगी और सक्सेसफुल भी होगी। इससे करप्शन कम होगा और आगे कैशलेस इकोनॉमी बेटर होगी। इससे बैंकों की लाइन भले ही कितनी भी लंबी हो लेकिन कहते हैं ना किसी सख्त को पूरी तरीके से सही करने के लिए थोड़ा सा दर्द तो सहना पड़ता है। लोगों को परेशानी हो रही है पर वो इस फैसले से बहुत खुश है। हमारे वीडियोस को देखने के लिए और शेयर करने के लिए आइए हमारी वेबसाइट www.newsonmove.in पे। हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए आइए हमारे फेसबुक पेज facebook.com/newsonmove पे। हमें व्हाट्सएप पे मैसेजेस करने के लिए आइए इन सभी नंबरों पे। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आइए इन सभी नंबर पे। तब तक के लिए चारू सही चाहो।